Hello student, now we will do exercise 1.5. Classify the following numbers as rational or irrational numbers. First is 2 minus 5. Second is 3 plus root 23 minus root 23. Third is 2 root 7. The result is irrational. If an irrational number is subtracted from rational number, result is irrational. So, जो हमारा 2 minus 2 5 है, irrational. I am writing IR. Irrational. I for ir, R for rational, irrational. Next, 3 plus root 23 minus root 23. कट होगा root 23 से root 23. तो हमारे पास क्या बचा है? Only 3. क्या बचा है हमारे पास? 3. और 3 हमारा कौन सा नंबर है? Rational. Next में 2 by root 7, 7 by root 7. Root 7 से root 7 कट हो गया. तो ये 2 by 7, तो ये हमारा rational. वन बाय रूट टू, वन क्या है आपका रैशनल और रूट क्या टू क्या है इरेशनल. इफ अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमारा क्या है रूट टू, रिजल्ट इज इरेशनल. अगर हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? इरेशनल होता है. तो ये हमारा नंबर क्या हो गया? इसका आंसर इरेशनल. 2 पाई, पाई इज इरेशनल. सो 2 पाई इज ऑल्सो इरेशनल. इफ एन इरेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय रैशनल नंबर, रिजल्ट इज इरेशनल नंबर. अब हमने कहा यहाँ पे कौन से रूल किए हैं, अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? इरेशनल. अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? इरेशनल. अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? इरेशनल. ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर टू, सिंप्लीफाई। थ्री प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट टू, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको। तो एक क्लास में हम लोगों ने किया था, थ्री को बाहर निकालेंगे, टू प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री को बाहर निकालेंगे, टू प्लस रूट टू, ये आपका हो गया थ्री टू जा सिक्स, और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई रूट टू, तो ये आपका आ गया प्लस थ्री रूट टू। अब रूट थ्री मल्टीप्लाई टू, तो टू रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट टू रूट सिक्स। आपको ये बात बतानी है कि जो आपकी स्क्वायर रूट में जो नंबर होता है वो एक तरह से वेरिएबल की तरह होता है। जैसे अगर मुझे थ्री मल्टीप्लाई एक्स करना हो तो थ्री मल्टीप्लाई एक्स क्या यूनिट है, थ्री एक्स। ऐसे ही थ्री ये क्या एक तरह से एक्स है, थ्री को रूट टू से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये मेरा थ्री रूट टू। आपका जो स्क्वायर रूट वाली नंबर है वो कैसे है, एक तरह से वेरिएबल की तरह। जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉन्स्टेंट अलग आते हैं और वेरिएबल अलग आते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर टू करना है, सारा सेम है पूरा। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, ही सेइंग रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर, कि पाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सर्कमफेरेंस बाय में डायमीटर। पाई किसके इक्वल होती है, सर्कमफेरेंस बाय में पाई मीटर। पाई इज इक्वल टू सी बाय में डी, सर्कमफेरेंस बाय में डायमीटर। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट पाई इज इरेशनल, वो कह रहा है कि ये लगता है कि इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इस फैक्ट को गलत साबित करता है कि पाई इरेशनल होता है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व करोगे। अभी मेरे पास ऊपर टू पाई था ना, टू पाई था तो मैंने क्या कहा था, पाई क्या होती है, इरेशनल होती है, तो टू पाई भी क्या होगी, इरेशनल होगी। तो वो कह रहा है कि पाई इरेशनल होती है, नहीं ये कॉन्ट्राडिक्शन लग रही है, इसको आप सॉल्व करो। तो हम करेंगे, तो दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, तो नो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। नो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, when we measure the length with scale or any other device we get approximate rational number, so we can say pi is irrational. So we can say pi is irrational. तो वो कह रहे था कि भाई पाई की रेशनल इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जब हम सर्कमफेरेंस और डायमीटर को स्केल से या किसी और चीज से मेजर करते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। क्या वैल्यू मिलती है, अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन चलता रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो हमारा क्या बन गया, इरेशनल नंबर। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि व्हेन वी डिवाइड सी बाय डी वी गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज वी कैन से दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सी बाय डी इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
So pi is irrational. Now we will do question number 4. Question number 4 जो है ये आपको कंपस से करना है. मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, लिखती जाऊंगी कि आपको कैसे बनाना है. आप उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4. शो रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन. अब 9.3 हमारा हमको किस पे शो करना है? नंबर लाइन. ये हमारा इरेशनल नंबर है. कौन सा नंबर है? ये हमारा इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे शो करना है. तो हम कैसे शो करेंगे? टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर. टेक अ लाइन सेगमेंट AB is equal to 10.3 सेंटीमीटर. यहां पर आपका 9.3 था, मैंने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है. नंबर 2, मार्क अ पॉइंट C ऑन AB सच दैट AC is equal to 9.3 सेंटीमीटर. अब हमें ए बी पर 1.3 लेना है ताकि ए सी हमारा क्या हो जाए? 9.3. आप स्केल से इसको मेजर कीजिए और जहां पर 9.3 आएगा वहां पर पॉइंट क्या लगा दीजिए? सी लगा दीजिए. हमने 10.3 ली थी ना, हमें लेनी कितनी थी? 9.3. तो हम 10.3 पर एक मार्क लगाएंगे सी पॉइंट सच दैट ए सी हमारी क्या हो जाए? 9.3. अब थर्ड पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? अपनी कंपास को मोर देन हाफ खोलेंगे, A पे रखे ऊपर आर और नीचे आर. फिर AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है B पे भी ऊपर और नीचे. हमने अपनी कंपास पहले कहां रखी? A पे रखी. फिर अपनी कंपास कहां रखी? B पे रखी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB व्हिच बाइसेक्ट ए बी एट ओ. जो ए बी को कहां पर इंटर बाइसेक्ट करेगा? ओ. अब टेकिंग ओ एज सेंटर एंड रेडियस ओ ए और ओ बी, ड्रॉ सेमी सर्कल. हमने ओ पर अपनी कंपास रखनी है. कितनी ओपन करनी है? ओए या ओबी, दोनों सेम आएंगे. ओ पे हमको क्या रखनी है? कंपास रखनी है और कितना ओपन करना है? ओए या ओबी, दोनों सेम होगी और ये हम क्या बना देंगे? सेमी सर्कल. यहां तक दोबारा मैं आपको बता देती हूं. हमने क्या 9.3 को नंबर लाइन पर शो करना है. तो हमने क्या किया है कि क्या लिया हम लोगों ने? 10.3 सेंटीमीटर लाइन ले ली. क्या ले ली हमने? 10.3 ए बी. उसके बाद ए बी पे हमने एक पॉइंट मार्क किया सी, कि ए सी क्या हो जाए आपकी? 9.3 सेंटीमीटर. उसके बाद हमने ए बी का क्या बनाया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. जो ए बी को कहां पर बाइसेक्ट कर रहा है? ओ पे. ओ पे हमने कंपास रखी और क्या बना दिया हमने? सेमी सर्कल. अब जो सी पॉइंट है उस पर हम 90 का एंगल बनाएंगे. सी पॉइंट पे हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री. जो सर्कल को कहां पर टच करेगा? डी पॉइंट. ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट सी विच टचेज द सेमी सर्कल एट डी. टेकिंग सी एस सेंटर.
सी को सेंटर लेंगे और अपनी कंपास कितनी खोलेंगे, सी डी, सी को सेंटर लेकर सी डी कंपास लेकर हम एक आर्क लाएंगे इस तरह से, जो हमारी ए बी प्रोड्यूस को कहां कट करेगी, ई पर, टेकिंग सी एस सेंटर, सी को सेंटर लिया और रेडियस कितनी ली, सी डी, ड्रॉ एन आर्क विच कट्स ए बी प्रोड्यूस, ए बी को बढ़ाने पर कहां पर कट करती है वो ई पर, ई शोज रूट 9.3। ओके स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 के 5 सम्स किए हैं, 4 सम्स किए हैं, बाकी सम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।